एक मरतबा फिर ईद की बात करते हैं। ईद की छुट्टियों को दुबला करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है और वो यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों और ठाटे मारता हुआ दरियाए सवात में खूब मजे ले रहे हैं। सवात के मशहूर फजागढ़ पार्क में जो आजकल ईद की छुट्टियों में सयाहों की तवज्जो का मरकज बन चुका है और सयाह बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। दरे स्वात के किनारे वाकिया फिजागढ़ पार्क, यहाँ सयाह न सिर्फ दरे स्वात की मस्त लहरों से लुत्फानंदोज होते हैं बल्कि किश्तियों में सैर करके इन मौजों का मुकाबला भी करते नजर आ रहे हैं। पैगाम देना चाहते हैं कि वो स्वात आए और यहाँ पर बेहतरीन जगह है, यहाँ पर हमारा पार्क है कालाम बहरेन मलम जबा। हम यहाँ सैर तफरीह के लिए आए हैं, यहाँ का मौसम बहुत जबरदस्त है, लोग एंजॉय कर रहे हैं कि छुट्टियां है तो बच्चे जवान और बड़े सब यहाँ आए हैं छुट्टी मनाने के लिए। बच्चों के लिए झूले और तफरी के कई दूसरे बहाने भी मौजूद है। ईद के मौके पर सयाहों ने बंगले डालकर हाजरीन को बेरक्स करने पर मजबूर कर दिया और वक्त पे ऐसी जारी बारिश ने ईद का मजा दोबारा कर दिया है। अब्दुल्ला शीरिन, 92 न्यूज, फिजागढ़, स्वात। अहमदाबाद के तफरीही मकाम शकरपाणिया पर ईद के दूसरे रोज भी सयाहों की आमद और रफ्त जारी है। ईद के बाईस इस पुरफजा तफरीही मकाम की रौनकें